दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में पिछड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन और जॉर्जिया में कानूनी केस हार गए हैं। ट्रंप ने डाक के जरिए आए वोटों की गिनती रुकवाने के लिए ये केस डाले थे। हालांकि दोनों जगह जज उनके पक्ष की दलीलों से सहमत नहीं हुए और उनकी मांगों को खारिज कर दिया। बता दें कि ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में भी मतगणना रुकवाने के लिए केस डाला है, हालांकि अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को नेपाली आर्मी के जनरल के पद से सम्मानित किया गया। नरवणे को ये सम्मान नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दिया। कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा पहले इंडियन आर्मी चीफ थे जिन्हें ये टाइटल 1950 में दिया गया था। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के बीच नरवणे 3 दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ स्टेट लेवल इलेक्शन भी हुए। इसमें 12 से ज्यादा भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 भारतीय मूल के उम्मीदवार फिर से चुने गए हैं। ये हैं डॉक्टर MB बोरा, प्रमिला जयपाल, रॉ खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति। 3 और उम्मीदवारों के जीतने की संभावना है। आपको बता दें कि 5 महिलाएं जेनिफर राजकुमार, नीमा कुलकर्णी, केशा राम, वंदना स्लेटर, पुष्पा कुप्पा ने जीत दर्ज की है। पाकिस्तान POK के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने जा रहा है, जिस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इसे लेकर कोई टिप्पणी की है। चीन ने कहा कि उसने रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है और कश्मीर मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट और स्थिर है। हालांकि चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.90 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 3,49,74,120 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 12.38 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए। यूरोप में तो हालात और खराब होते जा रहे हैं।